अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? आज भी बहुत मज़ेदार रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, और वो है भरी हुई हरी मिर्चें, मसाला भरी हरी मिर्ची, जिसे हम बेसन के साथ कोट करके फ्राई करेंगे। और ये रेसिपी मैं ख़ास तौर पर रमज़ान स्पेशल के हवाले से आप लोगों के लिए बना रही हूँ। रमज़ानों में बहुत चटपटी चीज़ें खाने का दिल चाहता है, तो ये उसके लिए बेस्ट रेसिपी। तो आप नोट कर लीजिए सामान। अगर क्वान्टिटी में देखें तो 10 हरी मिर्चें बड़ी वाली, जिसे मैंने नाइफ की नोक से इस तरह इनके बीच निकाल दिए मसाला भरने के लिए। इमली का पल्प है, जिसे मैंने 2 घंटा पहले भिगो दिया था। 1 टीस्पून नमक है, 1 प्याली बेसन है, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ, इसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया। 3 टेबलस्पून सौंफ, ये भी भुनी हुई और पिसी हुई है। 3 टेबलस्पून साबुत धनिया, इसे भी मैंने तवे पर भून कर मोटा मोटा सा कूट लिया है। तो ये वो कम से कम सामान है, आप देखें। और इसके साथ हम बहुत मज़ेदार सी भरी हुई हरी मिर्चें बनाएंगे। तो चले हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बेसन को मिक्स कर लेते हैं। एक बेसन में एक बाउल में डाल रही हूँ, और उसमें 1 टीस्पून में नमक डालूँगी और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और हम इसे बहुत अच्छी तरह से इसका बैटर पहले मैं इसको मिक्स करूंगी अच्छी तरह। और अब मैं इसकी ऐसी कोटिंग बनाऊंगी जो मिर्चों पर ठहर सके, बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो, बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने पानी डाला और अब मैं इसको मिक्स करूंगी। आप मिर्चों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं जितनी बता रही हूँ उसके हिसाब से मैंने मसाला लिया है, फिर आप चीज़ों की मकदार बढ़ा लीजिएगा। ये बहुत अच्छी तरह नमक और पिसी हुई मिर्चें इसमें मिक्स हो चुकी हैं, और देखिए आप इसकी थिकनेस देख लें कितनी है, ये देखिए आप, ये आराम से मिर्चों पे ठहर जाएगी, ना ये बहुत ज़्यादा पतली है ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी। और अब हम दूसरा काम शुरू करते हैं, और दूसरा काम वो ये है कि हमने जो इमली का पल्प आपको दिखाया था वो पल्प हम इस बाउल में डालेंगे, और जितने भी मैंने आम मसाले इसमें मिक्स कर दूंगी मैं, ये भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया, नमक, सौंफ और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, और इन सब चीज़ों को डालकर मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ये देखें आप, इसको बहुत अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है कि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। ये देखें, और अब मैं इसको आप लोगों को भर कर भी दिखा देती हूँ कि मिर्चों में हम इसे किस तरह भरेंगे। तो ये देखें, एक मिर्च लिया आपने, इसको इस तरह किया, ये देखें, जितना इसमें आ सकता है, बाकी इजाफी मसाला आप स्पून से इस तरह साफ़ कर दें। ये तमाम मसाला मैं इन सारी हरी मिर्चों में इसी तरह भर दूंगी। बस ये सारी मिर्चें मैंने मसाले से भर ली हैं। चलें अब हम इनको फ्राई करते हैं। चलें भी बस बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है, गैस ऑन कर दी, और अब मसाले ये बेसन के अंदर इस तरह मैं कोट करूँगी हरी मिर्च को, कि जितना बेसन इस पे लगेगा और जो इजाफी होगा वो इसी बाउल में गिर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चले बस इतनी काफ़ी है। ये फ्राई हो जाती है तो फिर मैं आप लोगों को निकाल कर दिखा देती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, तमाम मिर्चें रेडी हो गई हैं, और इसे मैंने केचप के साथ गार्निश किया है, और ये केचप भी मैंने घर में ही बनाया था, इसकी वीडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी। ये देखिए आप कितनी ज़बरदस्त भरी हुई हरी मिर्चें, मसाला भरी हरी मिर्चें, कि रमज़ान में जब आप सारा दिन रोज़े से हों, जब इफ्तार के लिए बैठे तो आपके मुँह का ज़ायका चटपटा हो जाए, ये इतनी शानदार बनती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला
किसी और अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।